हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम ट्राइब के एक और वीडियो में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जानकारी। ये है ओरहा की मैंटिस इलेक्ट्रिक बाइक, जिसका लॉन्च कर दिया है 2019 इंडिया बाइक की। पहली बार हमने इस बाइक का प्रोटोटाइप देखा था, लेकिन तकरीबन 4 साल बाद आज इसका फाइनली लॉन्च कर दिया गया। तो क्या ओरहा इस अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक मैंटिस में ऑफर कर रही है, क्या डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस, क्या फीचर्स हैं, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। अब इस बाइक को बहुत जल्द टेस्ट राइड भी हम करने वाले हैं, तो परफॉर्मेंस के मामले में किस तरह से बाइक परफॉर्म करती है उसके बारे में जल्द वीडियो आपको टाइम स्ट्राइड पर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे फ्रंट में इसका ये फेस, आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, DRLs कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। काफ़ी अग्रेसिव इसका फ्रंट ये प्रोफाइल आपको देखने में ज़रूर लग रहा होगा। एंड ऑल्सो ये जो है टायर्स जो फ्रंट में दिए गए हैं 17 इंच 110 सेक्शन के टायर हैं। एंड डिस्क ब्रेक आगे पीछे दी गई है, सिंगल चैनल ABS भी इस ओरहा की मैंटिस में दिया गया है। अब ये जो है प्रॉपर प्रोडक्शन वर्जन नहीं है, तो कुछ जगह अभी फिलहाल मामला सॉलिड फील नहीं हो रहा, बट जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये नट एंड बोल्ट थोड़े अभी एक्सपोज से हैं, थोड़ा फिट एंड फिनिश वाला मामला भी पूरा सॉर्टेड नहीं हुआ है क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्शन वर्जन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ये इस तरह से डिज़ाइन इसका फ्रंट में देखने को मिल रहा है। दो कलर ऑप्शन इसमें है, कि ब्लैक है एंड ये कि जंगल ग्रीन ओरहा इसे कह रही है, तो ये कलर ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ इस तरह से अमूमन टैंक्स हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बाइक में, या कहें कि जो आइस हैं उनमें टैंक का देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टैंक दिया गया, टैंक की जगह जो पैनल दिया गया है वो ओपन एक्सपोज यहाँ देखने को मिल रहा है। नीचे से भी आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन करा गया है, काफ़ी अलग हट के थोड़ा डिज़ाइन ओरहा ने इसको करा है। एंड यहाँ पे इसको ओपन रखने का एक कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे इसका ये चार्जिंग पॉइंट इधर देखने को मिलता है इस ओरहा की मैंटिस का। एंड इसके अलावा साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो पैनल्स हैं ये ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो पूरा फ्रेम है वो ओरहा कह रही है एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम इसका यूज़ करा गया है, तो उसी क्वालिटी का एल्यूमिनियम इसमें इस्तेमाल करा गया है। तो ये बीच में जो है ये आपको एल्यूमिनियम यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा, साइड में आपको ये प्लास्टिक के पैनल्स ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में इधर देखने को मिल जाएंगे। बैटरी पैक इसका दिया गया है 8.9 kWh का इसका बैटरी पैक है। एंड पीछे की बात करें तो यहाँ पर रियर में आपको बेल ड्रिवन ये ओरहा की इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर की बैजिंग भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड ऑल्सो पीछे की तरफ आएँ तो पीछे जो टायर दिया गया है वो इसमें 17 इंच 130 सेक्शन का टायर इसमें दिया गया है। सिंगल मोनोशॉक आप रियर में देख सकते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स का इस्तेमाल इसमें करा गया है। इंडिकेटर्स, हेडलैम्प्स, टेल लाइट्स सभी को इसमें LED दिया गया है। एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे अभी फिलहाल और लग रही है, राइड के दौरान थोड़ा और क्लियर होगा, वो है इसकी रियर सीट का ये डिज़ाइन। एक हाथ का साइज़ है, आई डोंट नो कौन इस पर ईजिली बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, बट यहाँ पे जो सीट का डिज़ाइन फिलहाल देखने को मिल रहा है काफ़ी स्पोर्टी है। एंड जो ओवरऑल विड्थ है वो भी ठीक ठाक अभी फिलहाल देखने को यहाँ पे इस पर राइडर की सीट में देखने को मिल रही है। एंड स्क्रीन की बात करूँ तो 5 इंच का TFT स्क्रीन दिया गया है। अब आप सोचेंगे ऑन नहीं हुआ अभी तक, मैंने चाबी यहाँ पे टर्न ऑन कर दी है क्योंकि ये ऑन होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा है, तकरीबन 3 मिनट से मैं वेट कर रहा था ये ऑन नहीं हो रहा था, तो इसलिए अब दूसरी बाइक शिफ्ट करते हैं। आई थिंक ये भी कुछ प्रोटोटाइप वाले फेज में ही है अभी फिलहाल। तो मेन स्क्रीन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है 202 किलोमीटर का रेंज, 220 के आसपास का रेंज ओरहा क्लेम कर रही है इसका। एंड परसेंटेज कितना है बैटरी का वो सब, एंड स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे ये मोड का ऑप्शन दिया गया है, इसको मैं स्विच करूँगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये नेविगेशन सेटिंग्स में जा सकते हैं आप, ब्लूटूथ सेटिंग्स हैं। एंड इसके अलावा अभी काफ़ी बहुत ही स्लो ये वर्क कर रहा है, जिस स्पीड से काम करना चाहिए उस स्पीड से काम कर नहीं रहा है। टाइम फॉर्मेट, थीम्स, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड लेफ्ट साइड में आए तो बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, इसके स्विंग को कंट्रोल करने का बटन दिया गया है यहाँ पे, इंडिकेटर्स, हॉर्न एंड ये हैजर्ड लाइट का स्विच पीछे कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह से इंडिकेटर्स इसके यहाँ पे ब्लिंक करते हैं। एंड राइट साइड में आए किल स्विच दिया गया है, इग्निशन एंड हेडलैम्प टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का ये बटन यहाँ पे देखने को इसमें
मिल जाता है इस ओरहा की मेंटिस में। सो ये कुछ मोटा मोटा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। बैटरी पैक जैसे कि मैंने बताया आपको 8.9 किलोवाट आवर का इसका बैटरी पैक है और जो पीक पावर है इसकी अराउंड 25.5 बीएचपी के आसपास पीक पावर इसकी है एंड पीक टॉर्क जो है वो है 93 न्यूटन मीटर का। टॉप स्पीड जो ओरहा क्लेम कर रही है इस बाइक की वो है 135 किलोमीटर पर आवर एंड 0 to 100 ये बाइक टच करती है 8.2 सेकंड्स में। रेंज जैसे कि मैंने बताया 21 किलोमीटर की आईडीसी एस्टिमेटेड रेंज इस ओरहा मेंटिस की ओरहा क्लेम कर रही है। इसके अलावा जो चार्जिंग टाइम है दो तरह की चार्जिंग का इसमें ऑप्शन, एक है 1.3 किलोवाट और एक है 3.3 किलोवाट ब्लिट्स चार्जर जो ओरहा कह रही है जो कि ज़्यादा पावरफुल चार्जर है। अगर आप 1.3 किलोवाट से चार्ज कर रहे हैं तो 0 to 80% में ये 5 घंटे लेगी और 3.3 से कर रहे हैं 0 to 80% में ये 2.5 घंटे तक का समय लेने वाली है। एंड सीट हाइट की बात करूँ तो वो है 815 मिलीमीटर की एंड ओवरऑल जो वेट है इस बाइक का वो है 182 केजीज एंड ग्राउंड क्लीयरेंस है 180 मिलीमीटर्स की। तो ये कुछ चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन जो ओरहा अपनी इस मेंटिस में ऑफर कर रही है। एंड प्राइस की बात करूँ तो जो प्राइस का अनाउंस करा गया है वो है 3.6 लाख एक्स शोरूम जिसमें इसका 1.3 किलोवाट का चार्जर जो है वो इंक्लूडेड होगा और जो पहले 1000 कस्टमर्स हैं उनके लिए 10,000 का बुकिंग अमाउंट देकर वो इसको बुक कर सकते हैं लेकिन इसके बाद जो कस्टमर्स हैं उनको 25,000 का बुकिंग अमाउंट देकर इसको बुक करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस ओरहा की मेंटिस इलेक्ट्रिक बाइक की इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो ओरहा इस अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक में ऑफर कर रही है एंड कैसे आपको इसका डिज़ाइन लगा, कैसे आपको इसके फीचर्स लगे, इसका प्राइस कैसा लगा, जैसे कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड फॉलो करना टाइम्स राइट मत भूलिएगा।